हेलो दोस्तों, मैं आपके पास एक केस स्टडी लेके आया हूँ। लास्ट वीक ही हमारे ऑफिस में एक मिस्टर सचिन ओबेरॉय नाम के इंसान आए थे उनके फैमिली के साथ। जैसे कि हम लोग एनुअल रिव्यू करते हैं वैसे वो आए थे, और उन्होंने मुझे बताया, वो किसी रेफरेंस से आए थे, तो उन्होंने मुझे बताया कि वो सालाना अराउंड 6 लाख रुपीज अपने लाइफ इंश्योरेंस और पॉलिसीज जो है उनके फैमिली के सारे मिला के अराउंड 6 लाख रुपीज का सेविंग करते थे। और जब भी मैंने उनका पोर्टफोलियो पूरा देखा तो मुझे ये एक चीज जो है बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है वो मुझे नजर में आई, और वो है कि वो क्वार्टरली पेमेंट कर रहे थे। लेकिन मैंने उनको बता दिया कि आप एक सिंपल टिप से आप अपने पोर्टफोलियो को अराउंड 78 लाख रुपीज एक्स्ट्रा जमा कर सकते हैं। क्या आप जानना चाहते हैं दोस्तों कि ये कैसे मैंने बताया उनको, या वो कैसे कर सकते थे, या वो कैसे करने वाले हैं? जरूर बनी रहिए मेरे ये वीडियो में। मैं हूं पराग नेसरीकर, और मैं ऐसे बहुत सारे वीडियोस लेके आऊंगा जहां पर मैं अपने पावर पॉइंट का इस्तेमाल करूंगा, और आपको ये बोर्ड के माध्यम से भी आपको कुछ चीजें शेयर करना चाहूंगा जो शायद आपको आपके लाइफ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल हो सकती है। आपके पोर्टफोलियो को अगर छोटा सा भी एक बूस्टिंग मिले और पोर्टफोलियो आपका बड़ा हो जाएगा तो आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन दोस्तों। तो बने रहिए ये वीडियो में। तो अभी मैं आपको ये बताता हूं कि ये कैसे हुआ। तो पूरी कहानी बताने के लिए चलो चलते हैं हमारे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन पे, और फिर यहाँ पर भी देखते हैं। तो एक सिंपल एग्जांपल पे देख लीजिए, सचिन ओबेरॉय नाम के इंसान है जिनकी एज अराउंड 44 है, और आप मैंने यहाँ पर लिखी भी है तो अराउंड 44 एज है। और अंजलि उनकी वाइफ है, उनकी एज है अराउंड 36, और उनके दो बच्चे हैं जिनका नाम है एक सारा जिनकी एज है 13, और अर्जुन नाम का उनका बेटा है जिनका एज है आप 10 एज है। तो 44, 36, 13 एंड 10 ये फैमिली मेंबर्स हैं। और आप अगर देखेंगे तो दे आर वेल टू डू फैमिली, और ये किसी रेफरेंस से मुझे आए थे, मेरे फ्रेंड के रेफरेंस से हमारे ऑफिस में आए। जब भी मैंने ये रिव्यू करने के लिए उनके सारे पॉलिसीज की डिटेल्स लिए तो मुझे ये जानकारी हुई कि उनके सारे पॉलिसीज जो है वो है एक्चुअली क्वार्टरली मोड पे। तो सालाना वो 6 लाख रुपए भर रहे हैं लेकिन ये क्वार्टरली भर रहे हैं। तो क्वार्टरली अलग अलग मंथ्स में उनका स्प्रेड हुआ ये है। जब भी हमने हमारे सॉफ्टवेयर में ये सारी डिटेल्स पोस्ट कर दिए और आप ऐड कर दिए तो एक अच्छा सा रिपोर्ट आ गया जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस रिपोर्ट। और वहां से मैं उनको एक पॉइंट उनको मैंने बताया, वो आपके सामने मैं शेयर करूंगा। अभी एग्जांपल पे तौर पे मैंने उनको जो बताया वो आपको बता रहा हूँ। ये देख लीजिए दोस्तों, आप भी पैसे ये बचा सकते हैं, दिस यू कैन सेव इट इजीली। तो ये कैसे बचा सकते हैं? सालाना वो 6 लाख रुपया बचाते थे लेकिन क्वार्टरली मोड पे थे। मैंने उनको सिर्फ एक ही नुस्खा बताया कि आप एक काम कीजिए, ये 6 लाख रुपीज एक बार थोड़ा सा पेन करके बजट को एडजस्ट करके आप ये एक बार ईयरली भर दीजिए। आप ईयरली भरने के बाद, आपको पता है दोस्तों कि LIC में आप अगर ईयरली पेमेंट करते हैं, सेविंग करते हैं, कोई भी प्रीमियम आपका होता है, तो इनका 6 लाख अगर वो ईयरली भरते हैं तो इनको फर्स्ट बेनिफिट जो मिलेगा वो 3% रिबेट जिसको कहते हैं वो मिलेगा, 3% रिबेट, या आप इसको कह सकते हैं डिस्काउंट। तो आप अगर देखेंगे तो ये फर्स्ट डिस्काउंट मिलेगा। फिर मैंने उनको बताया कि आप ये 6 लाख रुपए को इमीडिएटली SIP या रिकरिंग डिपॉजिट में मंथली में डिवाइड कर दीजिए 12 महीने में। मतलब कैसे हो गया, अगर इनका देखेंगे तो 50,000 का मैंने उनको बता दिया आप एक सिंपल SIP या आप रिकरिंग डिपॉजिट RD बैंक में आप खोल सकते हो या और कहां पर भी, जहां पर आपको अराउंड 7% रिटर्न मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। अगर आप म्यूचुअल फंड में करते हैं SIP के माध्यम से तो 7% मिल सकता है। सो ये 7% दोस्तों, और प्लस ये 3% अगर काउंट करेंगे तो ही विल बी सेविंग 10%। तो 10% यानी 6 लाख के 10% कहेंगे तो 60,000 ही विल बी सेविंग दोस्तों पर ईयर। डू यू एग्री? यहां तक तो इजी है दोस्तों। ये आपका भी, आपके बारे में भी हो सकता है, ये अमाउंट सिर्फ वेरी हो सकती है। किसी की 1 लाख हो सकती है, किसी की 5 लाख हो सकती है, किसी की 10 लाख भी हो सकती है। लेकिन मैं आज आपके सामने केस स्टडी जो बताने वाला हूँ वो 6 लाख के बारे में बताऊंगा, और फिर और एक सिंपल कैलकुलेशन से 2 लाख जो भरने वाले हैं उनका क्या होता है वो भी बताऊंगा। तो आगे बढ़ते हुए जस्ट मैं ये आप नोट करेंगे तो फिर से 6 लाख रुपीज क्वार्टरली भर रहे थे LIC में। मैं उनको बताया कि आप वन टाइम नहीं ईयरली भर दीजिए। ये ईयरली भरने पर आपको ईयरली अगर करते हैं तो 3% रिबेट मिलेगा, डिस्काउंट मिलेगा, और 50,000 का उनको मैंने बताया SIP या RD रिकरिंग डिपॉजिट जिसको कहते हैं वो चालू कीजिए। ये चालू करने पर आप एवरी ईयर 12 महीने पे 6 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, फिर वहां पर भर दीजिए सिंपल। तो ही विल बी सेविंग 60,000 रुपीज। अभी दोस्तों ये अगर आप देखेंगे कि इफ एट ऑल ये 6,60,000 रुपीज इफ ही इन्वेस्ट इन सिंपल, हम काउंट करते हैं ये 60,000
आप जानते होंगे दोस्तों कि हर एक की पॉलिसीज जो नॉर्मल लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं या लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज में इन्वेस्ट करते हैं, वो नॉर्मल जो गोल्स होते हैं वो कौन से होते हैं? आप देखेंगे बच्चों के एजुकेशन के लिए, बच्चों के मैरिज के लिए, आपके रिटायरमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म के गोल होते हैं। तो अराउंड 10, 15, 20 साल या उसके आगे के भी गोल होते हैं जो आप प्लान करते हैं। तो मैंने एक सिंपल एग्जांपल इनके बारे में मैंने देखा कि इनके बहुत सारे गोल्स जो थे वो 20 इयर्स के पॉलिसीज थे, 20 इयर्स, 25 इयर्स, 23 इयर्स, ऐसे पॉलिसीज थे। तो ये हम अगर 20 इयर्स के लिए सेव करते हैं दोस्तों, तो सिंपल कैलकुलेशन से भी आप करेंगे, बिकॉज कहां पर भी इन्वेस्ट नहीं, कुछ नहीं, लेकिन यू विल बी सेविंग 60,000 इंटू 20 इयर्स, आप अगर देखेंगे तो ये 12 लाख रुपीज हो जाते हैं दोस्तों। 12 लाख रुपए आप ऐसे ही बचा सकते हैं। यहां पर भी रुकना है तो आप वीडियो को रोक सकते हो, लेकिन मैं आगे भी आपको कुछ और बताऊंगा। ये 60,000 अगर उन्होंने म्यूचुअल फंड में हमने इन्वेस्ट किया एग्जांपल के तौर पे, जो आपको 10% रिटर्न देगा, 12% रिटर्न देगा और 15% रिटर्न देगा, तो कितने 20 साल के बाद कितने होंगे दोस्तों? क्या आप बता सकते हैं? आपके पास कोई कैलकुलेशन है? मैंने कैलकुलेशन किया हुआ जो आपके साथ में शेयर करूंगा। ये है, आप अगर देखेंगे तो नियरली अबाउट यहां पर 37.80 लाख हो जाएंगे दोस्तों। 37.80 लाख अगर 10% से खाली इन्वेस्ट होता है तो, दूसरे आपने अगर देखें तो 48.41 लाख। मैंने ये सिंपल कैलकुलेशन किया हुआ है दोस्तों, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि आप कैसे पैसे बचा सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर 15% रिटर्न मिलता है तो भी आप अगर देखेंगे तो 70.68 लाख दोस्तों। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका सेविंग नहीं बढ़ाते हुए भी आपके पोर्टफोलियो को अराउंड 75 लाख तक, 70 लाख तक आप बढ़ा सकते हैं। क्या आप ये जानते थे दोस्तों? अगर आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे तो आपके एडवाइजर या जिसे इंश्योरेंस एडवाइजर या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जाके आप मिलिए और उनसे ये बताइए, शायद वो भी आपको बताएंगे और आप देख लीजिए आपके पैसे आप बचा सकते हैं। कैसे लगा ये पॉइंट दोस्तों? बिकॉज दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये 60,000 की जगह मैं सिंपल और एक कैलकुलेशन आपको बताता हूं, जो है 2 लाख तो कोई भी इंसान सेव करता है उसके फैमिली मेंबर्स के साथ या अलोन, अकेला भी अगर वो इंसान 2 लाख रुपीज सेव करता है सालाना तो कितने होते हैं, वो एक कैलकुलेशन बता के ये हम वीडियो खत्म कर सकते हैं। तो यहां पर देख लीजिए कि अगर वो इंसान, अरे ये 20% अगर वो इंसान 2 लाख रुपीज बढ़ते होंगे सालाना और क्वार्टरली मोड पे है तो वो 20,000 बचा सकते हैं दोस्तों। अगर 20,000 बचा के, 20,000 अगर वो 10% से इंटरेस्ट पे अगर रिटर्न्स उनको मिलता है, 10% रिटर्न ROI जिसको कहते हैं, और 12% मिलता है तो, और 15% होता है तो क्या होगा, और 20 इयर्स के बाद हम देखते हैं कि ये क्या रिजल्ट देगा। 20 इयर्स के बाद मैंने कैलकुलेट किया हुआ है दोस्तों, जो आपके सामने मैं शेयर करूंगा, वो है यहां पर 12.60 लाख। दूसरा अगर आप देखेंगे तो अराउंड 16.13 लाख, और तीसरा आप अगर देखेंगे तो 23.56 लाख। सो दोस्तों आप देख लीजिए, और ऐसे ही अगर करते हैं तो 2,40,000, 2.40 लाख। सो दोस्तों पैसे को बढ़ाने के लिए आपका इनकम बहुत ज्यादा होना जरूरी है, यस, लेकिन बहुत हमेशा यही पॉइंट नहीं होता है। आपके छोटे छोटे नुस्खे जो है वो अगर आप फॉलो कर सकते हो और अगर आप अमल में ला सकते हो तो यू कैन इंक्रीज योर पोर्टफोलियो। अगर 2 लाख भी बचाते हैं आप सालाना इंश्योरेंस पॉलिसीज में और आप क्वार्टरली मोड पे है तो आप उसको ईयरली करके फिर री इन्वेस्ट करके आप अराउंड 16 to 23 लाख रुपीज तक एक्स्ट्रा आपके पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों ऐसे मैं वीडियोस बहुत लेके आऊंगा जहां पर कम से कम नहीं तो 50 से 100 ऐसे वीडियोस और ऐसे आइडियाज है हमारे पास या मेरे पास जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो आपको अगर ये पॉइंट अच्छा लगा तो प्लीज आप जरूर कमेंट कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ये वीडियो को, थोड़ा मेरा हौसला बढ़ेगा और मैं ऐसे वीडियो और लेके आ सकता हूं आपके लिए। और आपको अगर ये और अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करेंगे तो बहुत ही आई विल बी वेरी हैप्पी। ये चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपके सपोर्ट से आई कैन कम आउट विथ सो मेनी। लास्ट 25 ईयर्स से हम इस फील्ड में, आई एम वर्किंग एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर। शायद आपको ये कुछ आइडियाज आपके रियल जिंदगी में हेल्प हो सकती है और आपके पोर्टफोलियो को बढ़ावा दे सकती है। तो बने रहिए, ऐसे वीडियोज लेके मैं बहुत आऊँगा, एवरी वीक, एवरी मंथ भी आऊँगा। आपका सपोर्ट जरूर चाहिए। सो टिल देन दोस्तों, गुड बाय एंड जय हिंद।